नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान से पूर्व कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें पदस्थापना विवरणी जमा करने पड़ते हैं, SBI में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, UAN नंबर प्राप्त करने होते हैं, PF रिकॉर्ड जमा करना होता है, मास्टर डेटा जमा होता है और सर्विस बुक का संधारण होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्विस बुक क्या है, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए सर्विस बुक का क्या महत्व है और सर्विस बुक से संबंधित नियम क्या हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आपको कभी भी भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है और वर्तमान में सर्विस बुक हर नवनियुक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्विस बुक क्या है। दोस्तों, सर्विस बुक का अर्थ होता है निर्धारित प्रपत्रों का एक एकल बंधन, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करने वाला एक प्रपत्र। अर्थात इसमें एक सरकारी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड को उसके सेवा अवधि के दौरान सभी आधिकारिक घटनाओं की प्रविष्टियां बनाकर रखा जाता है। साथ ही कार्यालय के प्रमुख या सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यानी सेवा पुस्तिका में आपकी सेवा अवधि की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो आपके वेतन से संबंधित हो, आपके पद स्थापन से संबंधित हो, आपकी छुट्टी से संबंधित हो, सभी रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, उस पर कार्यालय के प्रमुख का सिग्नेचर भी आवश्यक होता है और सिग्नेचर गैजेटेड ऑफिसर ही होना चाहिए। आप जानते होंगे गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है। राजपत्रित अधिकारी जो हाई लेवल का ऑफिसर होता है वो गैजेटेड ऑफिसर है। IAS अफसर से लेकर के विद्यालय के प्रधान अध्यापक तक सब गैजेटेड ऑफिसर है। नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, यानी BEO आपके सर्विस बुक को प्रमाणित करेंगे। दोस्तों, अगर आप घर बैठे सर्विस बुक खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अमेज़न से बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे बहुत सारे नवनियुक्त शिक्षक ऐसे हैं जो गांव में पोस्टेड हैं, उचित कीमत पर वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली सर्विस बुक खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्विस बुक से संबंधित नियम क्या हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही होता है सर्विस बुक। इसके ऊपरी पृष्ठ पर आपकी सेवा से संबंधित रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। यह रिकॉर्ड आपकी जन्म तिथि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता आदि रिकॉर्ड भरे जाते हैं। कर्मचारी के सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड सर्विस बुक में रखा जाता है, यानी सेवा अवधि में जो भी आधिकारिक घटनाएं घटी है सब सर्विस बुक में लिखा जाएगा। हर एंट्री को ऑफिस के हेड द्वारा अटेस्टेड किया जाना अनिवार्य है। किसी एंट्री को काटा या मिटाया न जाना, ओवरराइटिंग न होने की जिम्मेदारी भी ऑफिस के हेड की होगी। यानी सर्विस बुक आपको पेन से लिखना है और उसको काटना नहीं है, न मिटाना है, न ओवरराइटिंग करना है। आप अपनी सेवा पुस्तिका किसी और से भी लिखवा सकते हैं। दोस्तों, सर्विस बुक की दो कॉपी रखी जाती है। एक सर्विस बुक आप अपने पास रखेंगे और एक कार्यालय में जमा होगा, और हर साल जनवरी में आपकी कॉपी अपडेट की जाएगी। और अपडेट करने के लिए आपको कार्यालय में जमा करना है। जमा करने के 30 दिन के भीतर ऑफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापस करना अनिवार्य होगा। यानी आपकी सेवा पुस्तिका 30 दिन के अंदर अपडेट करना है। इस अवधि में आपकी सेवा पुस्तिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यालय की होगी। अगर कार्यालय की लापरवाही से आपकी सेवा पुस्तिका खो जाता है तो दूसरी कॉपी के लिए ₹500 हर्जाना देना पड़ेगा। यह रूल 2017 से लागू है। सबसे पहले आपका एक ही सेवा पुस्तिका बनेगा, लेकिन उसी समय या बाद में आप अपनी डुप्लीकेट सर्विस बुक इशू करवा सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉय हैं, पहले से
कार्यरत शिक्षक हैं तो आपको 6 महीने के भीतर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका लौटाया जाएगा। अगर आप नव नियुक्त शिक्षक हैं तो आपकी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका 1 माह के भीतर मिल जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट रूल है कि प्रत्येक हेड ऑफिस के लिए सर्विस बुक की डिजिटल कॉपी रखना अनिवार्य है ताकि सर्विस बुक की मूल प्रति खोने या नुकसान होने पर कर्मचारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। सर्विस बुक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये आग में जल जाए, पानी में गल जाए, हरा जाए, चूहा काट दे, सबकी जिम्मेदारी कार्यालय के अधिकारी की है। इसलिए कार्यालय के अधिकारी का ये कर्तव्य है कि आपके सर्विस बुक की डिजिटल कॉपी यानी स्कैन करके ऑफिस में रख ले ताकि विषम परिस्थिति में आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपकी सेवा पुस्तिका तैयार होकर आपके पास आती है तो आपको भी यह चाहिए कि इसकी डिजिटल कॉपी अपने पास भी सुरक्षित रखे। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि हर साल कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उसके साइन लेना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र ऑफिस का हेड अपने उच्च अधिकारियों को हर साल देगा कि ऐसा किया गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपके सर्विस बुक पर आपके हस्ताक्षर होंगे। आप अपने सारे रिकॉर्ड वो देखेंगे कि इसमें जो कुछ भी आपसे संबंधित अंकित किया गया है वह सही है या गलत, उसके बाद ही आप वहां सिग्नेचर करेंगे। और यह जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये किसी नियोजित शिक्षक की सेवा पुस्तिका के पिक्चर हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। हर कॉलम में आपसे संबंधित रिकॉर्ड लिखे जाते हैं और कॉलम नंबर 8 में आपके हस्ताक्षर होते हैं। आपको सिग्नेचर करते वक्त यह देखना होगा कि आपसे संबंधित रिकॉर्ड सही सही अंकित है या नहीं। यहाँ पर सब कुछ अंकित रहता है, प्रशिक्षण की तिथि, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि, मूल वेतन, अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख, सब के सब अंकित हैं। इसके अलावा आपने कब कितनी छुट्टियां ली, अध्ययन अवकाश, मेटरनिटी लीव, पेटरनिटी लीव, स्टडी अवकाश, स्पेशल अवकाश आदि से संबंधित जानकारियां भी अंकित है। इस प्रकार आप जब सिग्नेचर करेंगे तो आपका सर्विस बुक आपके निकट भी सार्वजनिक रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट है कि सर्विस बुक में एंट्री जो है नियत स्थान पर ही होगा और हर एंट्री गैजेटेड ऑफिसर द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 उंगली के निशान लगाने हैं, बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक। इसके अलावा बाहरी पृष्ठ पर जन्म तिथि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ अंकित करना है। सेकंड कॉलम में घर का पता, स्पेशल लीव जैसे स्टडी अवकाश, मेटरनिटी अवकाश, पेटरनिटी अवकाश, मेडिकल लीव आदि से संबंधित सूचनाएं अंकित किए जाएंगे। सर्विस बुक के अंदर के पन्नों पर नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, नेशनलिटी, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के निशान आदि अंकित होते हैं। आपका नियोजन कौन से स्कूल में, कौन से नियोजन इकाई में हुआ है, आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र निर्गत तिथि क्या है, आपका मूल वेतन, पे मैट्रिक्स, वेतन वृद्धि की तारीख आदि अंकित करना है। इसके अलावा आपने प्रशिक्षण कहाँ से पूरा किया है यह भी अंकित किए जाते हैं, यानी आपके हर रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका में अंकित होते हैं। किन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफर होता है, कोई अध्ययन अवकाश लेते हैं, हर घटनाएं सेवा पुस्तिका में अंकित की जाती है। जब आप अपनी सेवा पुस्तिका में नियमानुसार हर साल सिग्नेचर करेंगे तो आपको चाहिए कि आप कन्फर्म हो लें कि अंकित सूचनाएं सही है या नहीं। इसके अलावा प्रत्येक ऑफिस को यह काम दिया गया है कि सर्विस बुक रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है, यानी सर्विस बुक के ऑफिस आने जाने की एंट्री भी अंकित की जाएगी और इसका रिकॉर्ड भी लिखित रूप में संधारित रहेगा। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर कर जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है उसके बाद भी उनका सर्विस बुक कम से कम 3 साल कार्यालय में जमा रखा जाता है। दोस्तों, ये था सर्विस बुक से संबंधित प्रमुख नियम। यह नियम जानकर आपको कैसा
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन है सर्विस बुक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सर्विस बुक खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से घर बैठे खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको सर्विस बुक का 2 कॉपी लेना है, 1 कॉपी आपके पास रहेगा और 1 कॉपी ऑफिस में रहेगा। दोस्तों, सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, यह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।